एक सवाल मुझे लगता है मुंबईकरों की तरफ से मैं आपसे पूछ लूं, और इसको एलिटिस्ट सवाल मत समझिएगा। ये जो रेसकोर्स वाला इलाका है, इसके बारे में चर्चा है कि इसकी कुछ जगह लेकर के एक पार्क जैसा कुछ बनाएंगे, लोगों के मन में इसको लेकर आशंका है, क्योंकि ये ग्रीन लंग है मुंबई के शहर के बीच में, इसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि वहां सेंट्रल पार्क बन रहा है, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हुई, नो कॉन्क्रीटाइजेशन। हमारा भी कहना यही है, इतना बड़ा इलाका है और जितने झाड़ उसमें होने चाहिए, जितने स्पीसीज उसमें होने चाहिए, जितनी ग्रीनरी उसमें होने चाहिए, जिस प्रकार से वहां पर ऑक्सीजन तैयार होना चाहिए, ये सारी चीजें नहीं होती है। तो इसलिए हम लोगों ने अभी उसमें से मार्ग ये निकाला है कि रेस कोर्स तो वहां रहे, लेकिन इतनी खाली पड़ी हुई सारी जगह है, उस जगह पर तो आप और ग्रीन करें। हाँ, देश का सबसे बड़ा ग्रीन पार्क, क्योंकि वो जगह है। और सामने में कोस्टल रोड जब बना, तो जब मैं कोस्टल रोड की मान्यता के लिए सेंट्रल एनवायरनमेंट कमेटी के पास गया, तो उन्होंने कहा कि जी देखिए, ये जो कोस्टल रोड के कारण एडिशनल जगह तैयार हो रही है, आप लोग तो इसको कमर्शियली यूज करोगे और ये आप CRZ की लाइन बदल दोगे, तो हम लोग इसको परमिशन नहीं देते। तो मैंने कहा मैं आपको अंडरटेकिंग देता हूँ कि जितनी जगह तैयार हो रही है, इस पर हम पार्क तैयार करेंगे, हम लोग इस पर प्लांटेशन करेंगे, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगा। अब ये दोनों जगह मिलाकर आपको आश्चर्य होगा, 300 एकड़ का सेंट्रल पार्क, नो कॉन्क्रीटाइजेशन, ओनली सेंट्रल पार्क, ओनली स्पीशीज, ओनली जिसको हम कह सकते हैं ग्रीनरी, यहाँ पर तैयार हो रही है। हम मुंबई से लंग ले नहीं रहे, मुंबई को एडिशनल लंग दे रहे हैं।